हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम स्टडी करेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, देखिए हमने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया था। नंबर लाइन हमारे पास इस तरह की एक लाइन है जिस पे हम नंबर ड्रॉ करते हैं, 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3। ये हमने नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया था। अगर हम एक लाइन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल लाइन और हम ऐसे ही ले लें नंबर लाइन, उसमें 0, 1, 2, 3 ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ -1 हम ले लें इस तरह के, और इन दोनों लाइन को इस तरह एडजस्ट कर दें कि इसका 0 और इसका 0 एक ही जगह आ जाए, इट मीन्स हमारे पास ये लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3 यहाँ पे -1, -2, -3। ठीक है, ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब क्या बन गया, ये मेरा एक प्लेन है, बोर्ड हमारा प्लेन है, कॉपी का जो पेज है वो हमारा प्लेन होगा। वहाँ पे अगर हम इस तरह की नंबर लाइन, दो नंबर लाइन एडजस्ट करते हैं तो ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होगी, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको हम नेमिंग करते हैं, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, दीज आर नोन एज एक्सिस। ये एक एक्सिस है और प्लूरल में, ये सिंगल में क्या होता है एक्सिस और उसका प्लूरल क्या होता है एक्सिस। तो दो एक्सिस हो गए हमारे पास, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, दीज आर नोन एज एक्सिस। यहां पे अगर मैं ओ एक्स लूं, हमारे पास इस तरफ क्या चलेगा, पॉजिटिव होगी वैल्यू 0, 1, 2, 3। इधर चलेंगे तो 1, 2, 3 पॉजिटिव होगा ओ वाई की तरफ, ओ एक्स एक्स की तरफ वैल्यू क्या रहेंगी एक्स की, ये इस नंबर लाइन पे नेगेटिव होगी, ओ वाई डैश पे हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, ये पॉइंट लेट इट इज पी। अगर हम इस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर लाइन से इसकी अगर डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 1, 2 एंड 3। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी बन रही है, 3 बन रही है। और अगर हम एक्स एक्स डैश एक्सिस से अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 2, तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो बन रही है वो 2 बन रही है। तो ये जो पॉइंट है इट इज़ नोन एज 3, 2, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट आगे किसके, पी पॉइंट के। ये जो हमारे पास सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं हम इसको, कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं हम इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कहलाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के। अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किसी भी चीज़ की पोजीशन को फिक्स करने के लिए वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड आ गया किसी भी पॉइंट को, यहाँ पे करना हो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इधर भी करेंगे, इधर भी हमारे पास कोई पॉइंट आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ये हमारे पास जो हैं ये इनके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, और कोऑर्डिनेट्स जो है दिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। यहां पे अगर हम पी की बात करें, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट
ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, इनका एक नाम और भी होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, दिस इज एब्सिसा। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो बहुत जगह आपके क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पी, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पी। अब मैंने आपको बताया कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में। हम अलग अलग पॉइंट लेके चलते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट में सबसे पहले जो x कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट जो है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस और y y डैश। यहां से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ कितना है, 1 है। सो ये वैल्यू हमारे पास -1, इस तरफ चलेंगे तो -1 होगा, दिस इज -1। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यहां से चेक करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। लेट दिस क्यू पॉइंट था, क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आगे वो क्या हो गए, -1 और 3 हो गया। यहाँ पे हम सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया आर, आर पॉइंट ले लिया, यहाँ इससे डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, -3, एंड ये भी हमारे पास क्या है, -3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -3 -3। अब सपोज कीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया पी क्यू आर एस, एस पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस -2 है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस पॉइंट्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x एंड y ऑर्डिनेट हमारे पास, मीन्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x जो होगा वो नेगेटिव, क्योंकि ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमारे पास नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव आ रही हैं, नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम किसी भी पॉइंट को, अगर हमें कोई कहे कि 1 -1 को रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे इट मींस एक्स के ऊपर आपने देखना है 1 एंड वाई के ऊपर -1, एक्स के ऊपर 1 एंड वाई के ऊपर -1। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, दिस इज 1 और -1। बड़ी आसानी से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो, दिस इज नोन एज कार्टिशियन सिस्टम। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिशियन प्लेन। देखिए हमने कार्टेशियन प्लेन में एक ये वर्टिकल लाइन थी हमारे पास, जिसको हमने नेम किया था एक्स एक्स डैश, और ये था वाई वाई डैश। तो यहाँ 0 था पॉइंट इनका, इसको हम ओरिजिन भी नाम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ भी जाएगा ये। सो फर्स्ट का व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स डैश एक्सिस एंड वर्टिकल वाई वाई डैश एक्सिस। सो आंसर आ गया आपका फर्स्ट का, एक्स एक्स डैश एक्सिस किसको कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वाई वाई डैश एक्सिस किसको बोलते हैं हम, वर्टिकल को, वर्टिकल लाइन जो है दैट इज नोन एज वाई वाई डैश एक्सिस। इसके बाद क्या कहता है, What is the name of each part of the plane formed by these two lines? यहाँ पे इन्होंने 1, 2, 3, 4 parts में divide किया है, these are known as quadrant. तो second का जो answer आएगा quadrants, quadrants जिसमें हम first quadrant की बात कह सकते हैं, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, four quadrant हो जाएगा, each part is known as quadrant. Third
का जो आंसर है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज नोन एज ओरिजन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, 0 0, एक्स एक्सिस से भी 0 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से भी 0 डिस्टेंस है। बहुत आसान सा था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, ये हमें एक फिगर दिया हुआ है और इनके हमने आंसर देने हैं। ये हमारा x x डैश एक्सिस, y y डैश एक्सिस O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं B H E M G C D, इन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, अब B पे चलिए, B यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है, x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इसके सामने क्या है, माइनस फाइव है, यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एंड टू, वाई से डिस्टेंस टू है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो गया, माइनस फाइव टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c पॉइंट हमारा यहाँ पे है, c पे पहले x पे देखेंगे, x के सामने हमारे पास क्या है, फाइव, एंड y पे भी क्या है हमारे पास, माइनस फाइव है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव एंड माइनस फाइव। बहुत ईजी है। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री माइनस फाइव, दोनों ही नेगेटिव है तो इसका मतलब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे, बट यहाँ पे माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, ये देखिए एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, वाई की वैल्यू माइनस फाइव, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, सो इसका आंसर आ गया ई। ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स टू माइनस फोर, एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू माइनस फोर, सो इन दोनों के सामने जी है, टू माइनस फोर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी मींस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी पॉइंट कहाँ है हमारा, डी पॉइंट ये है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, एक्स की वैल्यू सिक्स है, वाई की वैल्यू कितनी है, टू है, तो हमें चाहिए एब्सिसा, एब्सिसा हमारा कितना है, सिक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच हमारा ये है, इसमें कोऑर्डिनेट्स की बात करें, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, नाउ व्हाट इज ऑर्डिनेट्स, वाई एक्सिस, सो वाई पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, माइनस थ्री है, सो हमारा आंसर कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल हमारा यहाँ पे था, गलती से हमने लिखा नहीं, दिस इज एल पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स जीरो है एंड वाई हमारा कितना है, फाइव, सो इसका आंसर कितना हो गया, जीरो फाइव हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम ये पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास एक्स कितनी डिस्टेंस पे है, माइनस थ्री पे है, माइनस थ्री एंड वाई जीरो, सो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस थ्री जीरो। बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।